पंजाब की धरती को आशिकों की धरती कहा जाता है। बहुत से किस्से मशहूर है यहाँ, सोनी महिवाल, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू। हर कहानी में एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलन है। चलिए ऐसा ही एक किस्सा सुनाता हूँ आज आपको, सोनी महिवाल का। पंजाब में गुजरात नाम का एक शहर है और गुजरात शहर में चिनाब नदी के किनारे एक कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी है जहाँ उसके घर एक बेटी पैदा होती है, सोनी। और बड़ी होके वो अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाती है। तो ये जो कुम्हार है जिनका नाम है तुला, ये मटके बनाते हैं, सुराइयाँ बनाते हैं और सोनी जो है उसके ऊपर बढ़िया काम करती है, पेंट से उसको खूबसूरत बनाती है। उज़्बेकिस्तान के बुखारे से एक बहुत अमीर सौदागर इज्जत बेग एक दिन इस इलाके में आता है। तो जब वो यहाँ से गुजरता है उसे सुराही की ज़रूरत पड़ती है, दुकान पर जाता है, सुराही ले लेता है। जब वो सुराही ले रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है सोनी पर और पहली नज़र में उसका दिल आ जाता है। अब सोनी को देखने के चक्कर में वो रोज़ इस दुकान पर आता है और कुछ ना कुछ खरीदता है। वक्त गुजरता है, साथी उसके बोलते हैं, भाई बहुत दिनों से यहाँ बैठे हो, चलो वापस चले, अपना काम कार भी तो देखना है। पर इसका जाने का मन नहीं है, ये कहता है जी मैं तो यहीं रहूँगा। तो उसके बाकी सब साथी वहाँ से चले जाते हैं और इज्जत बेग यहीं रुक जाता है। अब वो बहाने ढूंढता है कि कैसे वो सोनी से ज़्यादा मिल सके। तो शाहों का ये बेटा सोनी के ही घर पर नौकरी कर लेता है और एक कुम्हार का नौकर बन जाता है, उनकी भैंसें चराने लगता है। भैंसों को पंजाब के उस इलाके में माही कहा जाता है, तो माही को चराने वाला माहीवाल यानी कि महीवाल बन जाता है। मेहर के नाम से भी कई जगह इसको जाना जाता है। सो महीवाल भैंसे भी चराता है और सोनी और महीवाल दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। अब भैया ये तो प्यार मोहब्बत की बात है, ज़माने को कहाँ रास आनी थी। तो लोगों को परेशानी शुरू हो गई और सोनी के पिता ने भी आनंद फानंद में सोनी की शादी तय कर दी। बारात घर आ गई, अब सोनी कुछ करने के लायक भी नहीं, डोली में जबरदस्ती उसको बैठाकर भेज दिया हमीरपुर। अब पीछे महीवाल क्या करता, फकीर हो गया, सब कुछ त्याग दिया, वो भी उसी तरफ बढ़ चला। लेकिन वो उस गांव में जाकर रह नहीं सकता था, तो वो चिनाब के दूसरे तरफ वहां जाकर उसने अपनी एक झोपड़ी डाली, कुछ भैंसे उसके पास थी उनको चराता रहा और अपना गुजर बसर करने लगा। सोनी को पता तो चल गया कि महीवाल यहाँ आके रहने लग गया है, अब वो उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगी। अच्छा, पंजाब या और गांव देहात में एक प्रथा है कि औरतें वो देर रात नदी पर नहाने जाती हैं, धोने कपड़े वगैरह धोने का काम देर रात या सुबह सुबह करने जाती हैं। तो सोनी ने उसका फ़ायदा उठाया, वो भी आधी रात को जाती थी और एक मटके के सहारे, मटका उल्टा करके उस पर लेट के उसके सहारे नदी पार करती थी और महीवाल से मिलती थी। महीवाल रोज उसके लिए एक मछली पकड़ता और पका के रखता। बढ़िया दिन गुजरने लगे। एक दिन ऐसा वो मछली नहीं मिली महीवाल को, बड़ा परेशान हुआ, क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी जांघ का यानी कि पट का मांस थोड़ा सा काट के वो पका कर रख लिया। जब सोनी आई और उसने उसको परोसा तो सोनी कहती है, अरे ये क्या, तो बहुत बकबका है, क्या कैसी मछली पकड़ी है आज। अब अपने महबूब से झूठ कैसे बोले को? उसने सब सच सच बता दिया, अपनी पट्टी खोली और जब पट दिखाया तो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि पट्टी खोल महीवाल ने पट दसे, पट पाटे सन अख ना जाए पट्टी, पिट पिट के होई बेहोश सोनी, बन्ने कौन ते कौन बनाए पट्टी, आई होश ते हो हैरान बोली, केंदी कौन गया है पढ़ाए पट्टी, पट होने ने चीर ले पट अपने, इससे ले के सोनी भी जाए पट्टी। इनका इश्क एक अलग मुकाम तक पहुंच चुका और इसकी भनक लग गई सोनी की ननद को। अपनी माँ के साथ मिलकर उसने एक दिन वो जगह ढूंढ ली जहाँ पर सोनी ने अपना घड़ा छुपाया हुआ था और उस घड़े को बदल दिया एक कच्चे घर से। जब सोनी आई और उस रात अपने महबूब से मिलने के लिए जाने लगी तो उसने देखा ये घड़ा तो कच्चा है, चेनाब की तेज लहरों को ये सहार नहीं पाएगा। लेकिन महबूब से मिलने की वो जो ताम थी उसके दिल में, वो जो इच्छा थी, उसके आगे उसने हार मान ली। उस कच्चे घड़े के सहारे अल्लाह अल्लाह करती चेनाब में उतर गई। बीच रास्ते वो घड़ा जो है पानी में ही बह गया।
और सोनी डूबने लगी। महिवाल ने दूर से देखा, महिवाल ने उसको बचाने के लिए छलांग मार दी और चनाब की जो तेज लहरें हैं जब वो उफान पर होती हैं तो बड़े से बड़ा तैराक भी उसको पार नहीं पा सकता। सोनी तो डूबी, महिवाल भी साथ ही डूबा और इस तरह इन दोनों का ये प्यार एक इलाही तौर पे, एक रूहानी तौर पे प्रवान चढ़ा, ये रूहानी तौर पे एक हुआ।